दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। अनुपमा की रूपाली गांगुली ने सफेद साड़ी में दिखाई अपने दिलकश अदाए। स्टार प्लस के फेमस शो अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को इस शो से अपने करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिल चुका है। उनका यह शो देखते ही देखते दर्शकों के दिलों पर ऐसा छाया कि यह शो टीवी जगत का नंबर वन शो बन चुका है। अपने किरदार से सबके दिलों पर राज करने वाली रूपाली ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें एक्ट्रेस बला की खूबसूरत दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर अत्यंत एक्टिव रहने वाली रूपाली द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों को लोग जमकर वाहवाही मिल रही है। रूपाली गांगुली ने फिर अपनी तस्वीरों से लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। रूपाली गांगुली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सफेद रंग की साड़ी पहने नजर आई है। रूपाली के ऊपर ये सफेद रंग काफी जच रहा है, साथ ही उनका ये अवतार सीरियल वाली अनुपमा से उन्हें बिल्कुल अलग दिखा रहा है और उन्होंने अपना मेकअप भी काफी खूबसूरत तरीके से किया है। रूपाली गांगुली की इन तस्वीरों पर फैंस फिदा हो रहे हैं और मान रहे हैं कि रूपाली को किसी की नजर ना लगे। कई लोगों ने तो कमेंट में उन्हीं का डायलॉग भी बोल दिया है, किसी की नजर ना लगे थू थू थू। और जब अनुपमा को दुनिया भर से इतना प्यार मिलता है तो इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, मुझे यह सकारात्मक चीजें के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे हाँ मेरे पास अच्छी चीजें हैं और इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। अब और सुरक्षित हुआ आधार, किसी ने किया दुरुपयोग तो फौरन चलेगा पता। आपके आधार को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है, अब अगर कोई भी आपके आधार का गलत इस्तेमाल करता है तो आपको फौरन पता चल जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फिंगरप्रिंट पर आधारित आधार के वेरिफिकेशन को पहले और से अधिक सुरक्षित कर दिया है। अब अगर कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल करना चाहता है तो तुरंत पता चल जाएगा। नया सिस्टम आपके आधार को पहले से अधिक सेफ बनाता है, जिससे कोई भी आपके आधार के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। इससे बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम और सरकारी सेक्टर को मदद मिलेगी। UIDAI ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को UIDAI ने डेवलप किया है। ये फिंगरप्रिंट के जरिए वेरिफिकेशन करता है। ये वेरिफिकेशन के लिए फिंगर की हल्की और गहरी दोनों लाइन का इस्तेमाल करता है। डबल लेयर वेरिफिकेशन से हमेशा मदद मिलती है और गलत इस्तेमाल करने की संभावना कम हो जाती है। फिंगरप्रिंट आधारित वेरिफिकेशन से कोई भी ट्रांजेक्शन पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। मराठी राजभाषा दिवस के मौके पर एक 8 साल की बच्ची गृहिता विखे से भैरवगढ़ कड़ा सर करने को कहा। मराठी राष्ट्रभाषा दिवस के मौके पर सिर्फ 8 साल की बच्ची गृहिता विखरे ने, जिन्हें महाराष्ट्र की हीराकणी के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन के साथ शहर का नाम ऊंचा किया है। भैरवगढ़ बहादुरों को चुनौती देता है। कम से कम 3000 फीट की ऊंचाई पर भैरवगढ़ तक पहुंचने के लिए चट्टान के आधार तक पहुंचने के लिए घने जंगल के माध्यम से ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन गृहिता को हासिल करने के लिए इस कारनामे में महादुर्ग एडवेंचर के भूषण पवार, सागर दोहले, अक्षय जामदारे, नीतीश पाटिल, योगेश शेल के विकी बुरकुले, महाराष्ट्र रेंजर के कल्पेश बनोते, ऋतुजा नेरकर और किशोरी माली के बहुमूल्य सहयोग से गृहिता ने सभी मुश्किलों को पार कर दिखाया और सफल प्रदर्शन 2 घंटे की थकावट, रॉक कट क्लाइंबिंग और जिप लाइन को पार कर लिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।